घर आई चुड़ैल। रात के करीब 1 बज रहे थे। कोमल एक सुनसान अंधेरी सड़क पर खड़ी अपनी सहेली पिंकी का इंतजार कर रही थी। ये पिंकी की बच्ची कहाँ मर गई, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई। फिर थोड़ी ही देर में पिंकी अपनी स्कूटी पर सवार वहां आ जाती है। कहाँ मर गई थी, मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अब क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ। रास्ते में एक से बढ़कर एक दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। मुझे तेरी कोई कहानी नहीं सुननी, चल जल्दी, हमें देर हो रही है। इसके बाद कोमल स्कूटी पर पीछे की सीट पर बैठ जाती है। पिंकी स्कूटी चलाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में स्कूटी एक घने जंगल में पहुंच जाती है। बस बस बस, यहीं रोक दे, ये इमली का पेड़ एकदम सही जगह है। एक बार फिर से सोच ले कोमल, हम शैतानी शक्ति को बुलाने जा रहे, कहीं हमारा दाव हम पर उल्टा ना पड़ जाए। तू ना बेकार की बातें बंद कर। कई सालों के बाद आज ये अमावस्या की रात आई है। इस रात इच्छा पूर्ति चुड़ैल को वश में किया जा सकता है। मैंने महीनों की मेहनत के बाद इस शैतानी किताब में लिखे सारे मंत्र अच्छी तरह याद कर लिए हैं। हमें किसी भी तरह इच्छा पूर्ति चुड़ैल को बुलाकर उसकी दोनों पायल को अपने कब्जे में लेना होगा। उसके बाद वो चुड़ैल हमारी गुलाम बनकर हमारी हर बात मानेगी। बस तू कोई गड़बड़ मत करना। नहीं नहीं, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, मैं तो बस इस जंगल से थोड़ा घबरा रही हूँ। 2 बजने वाले हैं, समय हो चला है, चल जल्दी से सारा सामान बाहर निकाल। उसके बाद पिंकी थैले के अंदर से काला जादू करने वाली तरह तरह की डरावनी चीजें निकाल कर जमीन पर रख देती है। फिर कोमल जमीन पर ढेर सारे दिए जलाना शुरू कर देती है और एक एक कर 2 नींबू को काट देती है और उनके ऊपर सिंदूर छिड़क कर मंत्र पढ़ने लगती है। तभी अचानक आसमान में काले बादल आ जाते हैं और जोरदार बिजली कड़कने लगती है। अरे कोमल, अचानक इतने सारे काले बादल कहाँ से आ गए? ये अमावस्या की काली रात है, मैंने तुझसे कहा था ना, कई सालों के बाद सिर्फ एक बार ये रात आती है। अब तो पूरी तरह खामोश हो जा, मैं इच्छा पूर्ति चुड़ैल को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने जा रही हूँ। इसके बाद कोमल चाकू से अपनी हथेली काट कर नींबू के ऊपर खून गिराते हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। तभी अचानक उस इमली के पेड़ के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है और वहां पर एक चुड़ैल झूलने लगती है। ये देख कर कोमल पिंकी को इशारा करती है। फिर पिंकी थैले से काली चादर निकाल कर चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। उसके बाद कोमल बिना समय गंवाए चुड़ैल के पैरों से दोनों पायल निकाल कर अपने पैरों में पहन लेती है। यस, मैंने घर दिखाया। तभी अचानक वो चुड़ैल किसी बीमार औरत की तरह कराहते हुए रोना शुरू कर देती है। तुमने मुझे अपना गुलाम क्यों बनाया? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे कोमल, ये तो बहुत ही डरावने तरीके से रो रही है, ये पूरी तरह तेरे वश में हो गई है ना, इससे हमें कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर कोमल चुड़ैल को काली चादर समेत स्कूटी में बीच में बिठा लेती है। उसके बाद पिंकी स्कूटी चलाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों चुड़ैल को लेकर अपने घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद कोमल घर में बने तहखाने के अंदर उस चुड़ैल को बंद कर देती है। आज रात हम इच्छा पूर्ति चुड़ैल की शक्ति की आजमाइश करेंगे। फिर करीब आधी रात को दोनों तहखाने में पहुंच जाती हैं। सुन चुड़ैल, हमें 2 लाख रुपए चाहिए, हमारे लिए पैसे लेकर आ। मैं तुम्हें पैसे लाकर तो दे दूंगी, लेकिन तुम दोनों को मुझे इंसानी खून पिलाना होगा, तभी तुम जो चाहोगे वो मैं कर पाऊंगी। अरे ये तो हमसे इंसानी खून मांग रही है, हम इंसानों का खून कहाँ से लाएंगे? अरे तू चिंता मत करना, इसका उपाय है मेरे पास। उसके बाद वे दोनों अपनी स्कूटी पर बैठकर पास वाले एक बड़े अस्पताल में पहुंच जाती हैं। तभी गेट पर खड़ा चौकीदार उन दोनों को रोक देता है। कोमल चौकीदार को कुछ पैसे देकर उसे मुर्दा घर ले जाने की बात कहती है। चौकीदार पैसों के लालच में आकर कोमल और पिंकी को मुर्दा घर में ले जाता है। हम दोनों आज से रोज रात को यहाँ आएंगे और मुर्दों का खून निकाल कर ले जाएंगे, बदले में तुम्हें रोज अच्छे पैसे मिलेंगे। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है मेम साहब, वैसे भी यहाँ सब लावारिस लाशें हैं, इनके साथ जो करना है करो, मुझे आप बस रोज पैसे देते रहना।
चौकीदार की रजामंदी के बाद कोमल को खुली छूट मिल जाती है। फिर वो मुर्दा घर में रखी लाश के अंदर से ढेर सारा खून निकाल कर बोतल में जमा कर लेती है। दोनों वापस अपने घर के तहखाने में पहुंच जाती हैं। ये ले, मैं तेरे लिए इंसानी खून लेकर आई हूँ, इसे पी ले और मुझे पैसे ला कर दे। खून देखकर चुड़ैल मुस्कुराते हुए कोमल के हाथ से बोतल ले लेती है और जल्दी जल्दी सारा खून पी जाती है। तुमने मुझे खून तो पिला दिया, फिर भी मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहती हूँ। जिस दिन तुम्हारे पैरों से मेरी दोनों पायल अलग होगी, उस दिन मैं तुम्हें जान से मारूंगी। अभी भी वक्त है, सोच लो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है, अब तू जा और हमारे लिए पैसे लेकर आ। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है और फिर करीब आधे घंटे बाद चुड़ैल एक लाल पोटली में कुछ नोटों के बंडल लाकर कोमल को थमा देती है। पैसे देखकर कोमल और पिंकी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों चुड़ैल को फिर से तहखाने में बंद कर देती है और हर रात यही सिलसिला अब शुरू हो जाता है। कोमल मुर्दा घर से इंसानों का खून लाकर चुड़ैल को पिलाया करती और चुड़ैल रोज़ कोमल को पैसे ला कर देती। कुछ ही हफ्तों में कोमल और पिंकी के पास लाखों रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह कोमल, चुड़ैल तो हमें अमीर बना दी जा रही है, लगता है हम बहुत जल्द दोनों करोड़पति बन जाएंगे। हाँ तूने सही कहा, हम बहुत जल्द करोड़पति बनने वाली हैं, अब हमारी सारी जिंदगी मजे में गुजरेगी। फिर कुछ दिनों बाद पिंकी किसी काम से अपने गांव चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोमल चुड़ैल को रोज खून पिलाकर उससे पैसे मांगना जारी रखती है। इसी तरह एक रात कोमल मुर्दाघर से खून लेकर घर लौट रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी स्कूटी का टायर पंचर हो जाता है और वो घिसटती हुई सड़क पर जा गिरती है। कोमल के सिर पर काफ़ी चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर सड़क से गुजर रहे कुछ लोग उसे उठाकर पास के अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। इसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, लगता है हड्डियाँ टूट गई हैं, हमें इसके पैरों में प्लास्टर लगाना होगा। उसी दौरान नर्स कोमल के पैरों से दोनों पायल उतार कर किनारे रख देती है। फिर डॉक्टर कोमल के पैरों में प्लास्टर चढ़ा देता है। इसे आज रात आराम करने दो, सुबह तक इसे होश आ जाएगा। उसके बाद डॉक्टर और नर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन उधर पायल उतरने के कारण चुड़ैल कोमल की गुलामी से आज़ाद हो जाती है और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए आधी रात को अस्पताल में लेटी कोमल के बिस्तर के पास पहुंच जाती है। फिर चुड़ैल बिस्तर के पास रखे टेबल पर मौजूद अपनी दोनों पायल उठाकर अपने पैरों में पहन लेती है। उसके बाद चुड़ैल कोमल के सिर पर अपना जला हुआ हाथ फेरना शुरू कर देती है। अचानक से कोमल की आंख खुल जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर कोमल की होश उड़ जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर ये दोनों पायल तुम्हारे पैरों से निकल गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।